सर आज अध्यक्ष जी के साथ आप बैठे हुए हैं, बड़ा योगदान रहा आपके अध्यक्ष जी के चुनाव में, बहुत अपने तन मन धन तो नहीं मुझे मालूम है, धन से भी लगे रहे हो जरूर आपने के साथ में, आपने बड़ी इनके लिए मेहनत भी की है और आज इस मुकाम पे बैठे हैं कि आपने इनको अध्यक्ष बना दिया जहाँ तक तो मुझे याद है, तो इस पर क्या कहेंगे और जो निर्णय लिया गया इस पर क्या प्रक्रिया आपकी? देखिए मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, इनको बहुत कर्मठ और ईमानदार समझ के हम लोगों ने चुना, आज वो ईमानदारी अकर्मठता पूरे बाद में दिखाई दिया और जागरूकता भी दिखाई दी और आम सभा की जो मीटिंग हुई, आम फैसला जो आई, हर अधिवक्ताओं की जो फैसला आई उनके अनुरूप उन्होंने पूरी तरह से काम किया। तो देखा जाए तो सियालकोट बार एसोसिएशन की जितनी गंदगियां थी अब बाहर निकल रही हैं एकदम, अगर ऐसे मंत्री ऐसे अध्यक्ष मंत्री रहें तो निश्चित तौर पर निकलेगा, आने वाले भी समय भी हम लोग कोशिश करेंगे साफ सुथरा छवि वाले ही अध्यक्ष मंत्री ताकि ऐसी गंदगियाँ निकलती रहे। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिकता सियालकोट जी। जी सर देखा गया आपका भी बड़ा योगदान रहा आपके अध्यक्ष के चुनाव जिताने में भी, बड़े तन मन से आप लगे रहे थे, मंत्री के साथ भी दिखे आप इसमें, तो आज एक निर्णय लिया गया है सियालकोट बार एसोसिएशन की तरफ से, क्या निर्णय ये सही है या क्या गलत है, क्या इस पर कुछ कहेंगे? अध्यक्ष जी ने जो है स्वस्थ मानसिकता का परिचय देते हुए अधिवक्ताओं का सम्मान किया और सही निर्णय लिया और दूषित मानसिकता के जो परिचायक हैं उनको सही जो है उनके खिलाफ निर्णय लेकर के जो है अधिवक्ताओं के सम्मान को जो है रखा है और बहुत ही उचित निर्णय लिया है जिससे हम सभी अधिवक्ता बहुत ही खुश हैं। तो ऐसे अधिवक्ताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी घटनाओं में लिप्त हो या जैसे आपने बताया कि पत्रकारिता में लिप्त हैं, एकदम होनी चाहिए कार्रवाई, जो भी इस लोकेसी के अलावा अपने कोई भी काम करता है उसकी जांच होनी चाहिए, जैसे भी पता चलता है तो जांच परख करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करना चाहिए जिससे कि हमारी विधि व्यवसाय दूषित न हो पाए। निर्णय स्वागत योग्य है। एक क्या सही या गलत है? नहीं, यह निर्णय जो है आम सभा में लिया गया है और अधिवक्ताओं के बहुमत से लिया गया है, लोकतांत्रिक यही पद्धति है, तो जो निर्णय है वो सही है। तो क्या ऐसे अधिवक्ताओं की खोज की जाएगी जो इस तरह से किसी कार्य में लिप्त हो? या खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे जो लोग यहीं चुकी रहते हैं तो सब लोग सबके बारे में जानते हैं, खोज करने की आवश्यकता नहीं है, सबको सर्वविदित है कौन क्या करता है। कुछ वकील बिना प्रैक्टिस के यहाँ, इनकी इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है फिर भी लोग प्रैक्टिस करते हैं और बाहर जाके धाव धुरा जमाते हैं, हड़काते हैं लोगों को, किस पे क्या कहेंगे आप? यह गलत है और संज्ञान में यह चीज़ें आएंगी तो निश्चित रूप से जो हमारे अध्यक्ष मंत्री हैं वो बड़े ही जागरूक हैं और निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेंगे, ये पूरा विश्वास है। तो ये निर्णय सही है? हाँ, जो निर्णय लिया गया है सही, वह सभी लोगों की सहमत से और सही। राजेश यादव पूर्व उपाध्यक्ष। जी सर बताएँ किस प्रकार का निर्णय लिया गया, इस निर्णय का क्या उद्देश्य है? ये सब सम्मत से जो है निर्णय लिया गया, जो सदन द्वारा जो है निर्णय लिया गया है, निर्णय बिल्कुल जो है सही है, सभी लोग इसको मानते हैं। परिचय दें अपना। मेरा नाम गौरीशंकर पांडे एडवोकेट, जीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। जो हमारे अध्यक्ष और मंत्री ने निर्णय लिया है 3-4 लोगों के खिलाफ, वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसा निर्णय बहुत कम ही लोग अध्यक्ष मंत्री ने लिया है। इस कचहरी के गंदगी को दूर करने के लिए इन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत ही सॉलिड निर्णय लिया है, न तो किसी के दबाव में लिया है, और यह जो होना चाहिए था निर्णय इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने साहस दिखा करके किया है, बहुत बढ़िया निर्णय किया। जी कुमार सिंह दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और हमारे पूर्व में पदाधिकारी दुर्गा सिंह पे जो आरोप है वो बाहर के पैसे का गमन किए हैं, और अगर वास्तव में पैसा सिद्ध होता है तो पैसा ऐसा होता है कि कभी किसी अधिवक्ता साथी की मृत्यु होती है तो उनके विधवा पत्नी को पैसा दिया जाता है, इससे हमारे अधिवक्ता समाज के सारे साथी इससे असंतुष्ट हैं, उस पैसे का और बाहर के पदाधिकारी द्वारा गमन नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्ट हो गया।